तो गाइस आप लोगों के लिए हम लेके चल रहे हैं हमारे घर। आज हमारी ट्रिप होने वाली है पुणे टू भोपाल। ओके, तो अभी हमारा हो गया सामान रखा। अभी हमारा मामी का हमारा नन्ना मुन्ना घर का बहुत शोर मचारा है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, इसमें अपन ने बस कपड़े वगैरह रख लिए, ये अपना लैपटॉप यही है। आपने अमन भैया है हमारे, ठीक है, अमन सर हमारे, उनके पास लैपटॉप है, हम उनके लैपटॉप से मजे करेंगे। मोबाइल, ये हमारा बटुआ, हमारे डॉक्यूमेंट, हमारा मास्क, बस ये सब। जाने से पहले लेना था हमें एक पार्सल, हमारा एक फ्लिपकार्ट का पार्सल आया था, मतलब बेबी का कपड़े वगैरह, तो उसे उठाने थे, तो उसी को लेने गया था मैं। ठीक है, क्योंकि लेट हो रहा था आने में, तो हम ही उसके पास गए। वो कुत्ते डरना नहीं है, हाँ कोई डरा नहीं, बस अब मामा आ रहा है गाड़ी लेके पीछे से कहीं से, ठीक, मतलब फ्रिज वगैरह के स्विच ऑफ करने गए मामा। चली चली हमारी एग्जा चली गाइस, हमारी एग्जा चल पड़ी आराम से। अब लगेंगे 15 घंटे का सफर है। ये वो रास्ता बताना है, सिकरापुर तो आंदो मामा, सिकरापुर के चौराहे के बाद लेफ्ट टर्न। हमारी हो रही है अभी टैंक फुल, कुछ होगी 5000 के समथिंग। ठीक है, डीजल फुल होने के बाद निकल, कुछ 5050 का डीजल भर गया है। अब चलेगी कुछ 60 किलोमीटर हमारी गाड़ी, 60 × 10 600 चलेगी। हाँ हवाई भर भर है 25 बोलते हैं पाउंड भरी हो जाएगी, पाउंड में प्रेशर जो भी होता है, पाउंड में सही दे, मतलब 25 पाउंड हमने अब भर भाई। वैसे लोग बाग ज्यादा ही बर्बाद हैं, पर ज्यादा नहीं भरवानी चाहिए क्योंकि टायर पटने की संभावना बढ़ जाती है जब खाली गाड़ी हो, जैसे कि हमारी खाली गाड़ी है। सस्पेंशन सही काम करते हैं, हाँ सस्पेंशन सही काम करते हैं, ब्रेक सही काम करते हैं, सही काम करते हैं, बिल्कुल स्मूथ चलती है गाड़ी। हाँ मक्कन नहीं तो पर तुम बोलोगे ये धचके क्यों लग रहा है, बारी हो रही है। अभी हम निकले हैं कहीं पे, आप देखो जरा ध्यान से, नेशनल हाईवे 761 सामने देखो तुम, नेशनल हाईवे दिख जाए कितना तगड़ा है ना, नेशनल हाईवे पे टॉप गियर नहीं लग पा रहा कार का, गड्ढों से भरपूर मात्रा में, इतना गड्ढे गड्ढे हैं। जैसे हम नेशनल हाईवे खत्म करते हैं ये वाला, फिर मिलेंगे। ठीक है, अभी अभी पता चला है कि हाईवे आगे चल के अच्छा हो जाएगा, ज्यादा नहीं बस 10 किलोमीटर आगे ऐसी मस्त एकदम धुक्चिक धुक्चिक डिस्को डांस चल रहा है। ठीक है, और उसके बाद अभी अभी हमें मिल गया एक गन्ना, जिस ट्रक वाले को हमने रोका था वही ट्रक वाले ने उस गन्ने को कुचल दिया, पर अच्छा है। गन्ना कहाँ गया, यहीं कहीं रखा, एक नंबर बिल्कुल मीठा है क्योंकि मेरे हाथ बहुत चिपचिपे हो गए उससे, मीठा है। अब हम खाएंगे तब हम आपको चखाएंगे। गाइस ट्रिप की थोड़ी अपडेट, पहले से यहाँ मिलता है मस्त नेशनल हाईवे, एक नंबर है, अटा कोई फाटा है उसके बाद आता है 4 लेन, तो आप ये रूट प्रेफर कर सकते हो। हाँ हमने नया रूट फाउंड किया, वॉच फुल वीडियो। ओके, अभी हम आ गए आले फाटा, मतलब गाड़ी पहुँच गई आले फाटा। ठीक है, यहाँ से लेना है आपको राइट, आले फाटा का जो चौराहा है वहाँ से लेना है आपको राइट, वहाँ मिलेगा आपको नेशनल हाईवे 60, वहाँ आपको मिल जाएगी 4 लेन, बिल्कुल पानी ना हिलने वाली, वो तो अब बताऊंगा आगे कैसी है। बस राइट टर्न लेने वाले हैं, टर्न लेते से मिलेंगे। 2-3 किलोमीटर बाद आपको ऐसा 4 लेन हाईवे देखने को मिल जाएगा, तो आप यहाँ आपकी गाड़ी आराम से 70-80 चला सकते हो, बड़ा मजा आने वाला है।
हम यहाँ से पहुँचेंगे नासिक के आसपास, ठीक है। आपको लेना चेन्नई से राइट, नहीं तो बाईपास से जाओगे तो लग जाएगा टोल, ठीक है। ये रहा राइट का फायदा, अच्छी रोड है, सब कुछ बढ़िया है, आगे बताएंगे। तो गाइस अभी हम रुके हैं थोड़ी देर के लिए, मतलब हल्का होने, टॉयलेट वगैरह वॉशरूम के लिए रुके थे। पेट्रोल पंप है मस्त HP का, एक नंबर। यहाँ से समथिंग कह सकते हो आप 65 के समथिंग बचा है हमारा दुल्हे, ठीक है। वहाँ जाके उसके बाद कहीं ढाबा वगैरह पे रुकेंगे, खाएंगे पियेंगे चिल, ठीक है। दुल्हे, हाँ मामा बोले थे दुल्हे से, या सॉरी कहाँ से, मालेगांव से 300 रहता है, ठीक है इंदौर। तो बस फिर देखते हैं क्या होता है, अभी तो चले फिर से गाड़ी में। गाय जो मालेगांव का ब्रिज है वो हमें नासिक से होके आने पे 340-350 पड़ा, और उसके बाद अगर हम कौन सा नगर नगर रोड से आते हैं, अहमदनगर रोड से आते हैं, तो ये पड़ता है 295 पड़ता है, मतलब 50 किलोमीटर का डिफरेंस आया है। पर जल्दी आ गए अपन, है एक घंटा बचा है हमारा, ठीक है। फ्रंट पे तो तुम्हें कुछ दिखेगा नहीं मेरा फेस, इसलिए बस इसकी रोड देखो, तुम मजे देखो, कोई को नहीं दिखेगा यार, और रात में लाइट नहीं जलाते, अच्छा नहीं रहता, ठीक है। मिलेंगे अब अपन आपको ढाबे पे डायरेक्ट, ओके। तो गाइस आ गए हम दुल्हे के बाद में, मम्मी के सामने बैठोगे कोई, रुको अभी बता रहा हूँ नाम वगैरह, मतलब आ गए हम ढाबे पे, अभी होगा पेट पूजा, हाथ वगैरह धो लें, उसके बाद बताता हूँ, ठीक है। तो गाइस ये होटल का नाम के बालंद बापूजी होटल, ठीक है। यहाँ आपको वेज नॉन वेज यहाँ मिलेगा, उसके बाद जैसे ही पार्टी चाहिए वो यहाँ मिलेगी, ओनली केस है, बट गाइस ये देख सकते हो ओनली केस, ठीक है। तो जिसको भी आना हो ओनली केस है, परमिट बियर बार है, बेहतरीन सुविधा तगड़ी है, आप लोग आना, और अगर आपको अच्छी लगे सुविधा तो कमेंट करके मुझे बताना, ठीक है, जिससे मेरे और लोंडे आ सके। अभी आते हैं, बस मामा आ रहे हैं। यहाँ तो कोई ठंड नहीं है गाइस, कल देखते हैं, कल हम पहुंचेंगे MP, वहाँ का हमने सुना है, वहाँ सुना क्या, वहाँ के तो हमें पता है, वहाँ जो ठंड होती है वो कब कभी चढ़ा देती है। अभी वहाँ का पारा चल रहा है कुछ 8-9, रात में 7-6 पहुंच जाता है, 11 समथिंग, ठीक है। वो सुबह सुबह जब वो 7 बजती है ना, फिर तो और ऐसी बिल्कुल कोहरा छा जाता है। अभी ये फोन आया था, उनने बोला है कि सुबह सुबह जो कोहरा है ना इंदौर तरफ, वो इतना घना हो जाता है कि उससे अच्छा है कि 3-4 घंटे रेस्ट करो, जैसी दोपहर हो, मतलब 6-7 बजे, उसके बाद निकलो, कुछ ऐसा है। तो अभी हम देखते हैं क्या होने वाला है, इंदौर पहुंचेंगे। अभी आ गए हम दुल्हे, यहाँ से 265 है इंदौर, खाना खा पी के फिर निकलते हैं, अगर इंदौर लग जाता है जी के, नहीं तो फिर रेस्ट करेंगे जितने बजे तक होता है, फिर मामा सोएंगे बस। तो गाइस अगर आपको मेरा चेहरा काला दिख रहा है तो इसका एक रीजन है, यह हो गया संपूर्ण लॉकडाउन, क्योंकि अभी हमें महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में घोषित कर दिया गया संडे फुल डे लॉकडाउन, ठीक है। तो 11 बजे के बाद, सॉरी हाँ 12 बजने वाले हैं, तो पुलिस आई थी, पूरे देखो ढाबा वगैरह बंद हो गया, बोलो हाँ मामा। इस ढाबे पे दोस्तों खाना एक नंबर मिलता है, ये दुल्हे टोल के जस्ट बाद में, ये दुल्हे टोल मतलब दुल्हे टोल से इंदौर की तरफ जाते हैं, एक नंबर खाना मिलता है, ये ढाबा देखेंगे आप पूरा, मतलब फैमिली वाला। सबसे अच्छी चीज, अच्छी चीज यार मुझे बस आजकल तो वही लगता है जो मलाई कोफ्ता, एक बार मैंने खाया था एक ढाबे पे, तब से मुझे सही लगा है। राजस्थानी राजस्थानी ढाबे पे खाया था, तब से मलाई कोफ्ता। नागर रोड से आओगे मालेगांव तरफ तब मिलेगी, अब हमारे रास्ते इस रास्ते से आओगे, खराब होने की वजह से हम अपना रूट चेंज करके आए, नहीं तो हमेशा हम उसी पे खाते हैं, हमारा फिक्स है उसी पे खाना, एक नंबर मिलता है। एक मलाई कोफ्ता तो मक्खन मारते, और सर्विस तो एक तगड़ी देते हैं वो लोग, जान पहचान के, मामा के जान पहचान की हो गए अंकल जी। चलो गाइस अब अंधेरे में कुछ दिखेगा नहीं,
देखते हैं जब इंदौर में होगा क्या स्टे होगा तब देखते हैं। अब अंधेरे में कुछ नहीं दिखने वाला, बिल्कुल बस थोड़ी सी लाइट का उजाला है उसमें काम चला रहा है। लॉकडाउन चल रहा है क्योंकि गाइस निकलते हैं हम भी नहीं। गाइस बात करें खाने पीने की, खाना पीना हो गया, ढाबा भी बंद हो गया, अब बस गाड़ी चलने वाली है, देखते हैं कब तक चलेगी। ठीक है, इंजन स्टार्ट, लेट्स सेट गो। तो गाइस अभी हम उतरे चाय पीने, हमने पी ली पर मोबाइल अंदर पड़ा था, हमारे अंकल जी बना, अंकल जी की बन रही चाय, साथ में मस्त भजन। अंकल जी ने ना बड़ी मेहनत से आग जलाई, मैं आग के मजे ले लूं। पुणे से आग जहाँ आई है मोबाइल में से तो आप भी सेक लो, ठंड लग रही हो। चाय बनती है फिर हम निकलते हैं। सॉरी दिन के बज रहे हैं 5, हम पहुंच गए मानपुर इंदौर से 50 किलोमीटर पहले, और यहाँ हो गई एमपी में बारिश स्टार्ट। हो रहे का तो पता नहीं पर यहाँ धुआं तो बहुत जोर से उड़ाया जा रहा है ये ट्रक के द्वारा। रिपेयर करा लो भाई, बारिश हो रही है, बंद हो गई सर, नहीं होगी देखते हैं। 12 घंटे हो गए हमें घर से निकले, 12 घंटे में हम इंदौर पहुंच गए सक्सेसफुली, 3 घंटा रेस्ट के साथ। हाँ 3 घंटा सोने के बाद। रूट अच्छा था मतलब हमारा। गुड मॉर्निंग, ठीक है गाइस, अभी हमें इंदौर हाईवे पे पूरे के पूरे 13 घंटे हो गए हमें। गाइस अभी हम आए कोई डोडी नामक जगह पे, कैमरा सेट कर, हाँ डोडी हाईवे स्ट्रीट पर, देखते हैं क्या कुछ है फिर बताते हैं कैसा क्या स्वाद है उसके बाद। ये चीज तो सब जगह है, लोग कैसे भरपूर मात्रा में इधर कचौड़ी पचौड़ी फेमस है, देखते हैं अभी खा पी के बताएंगे कैसा क्या है। यहाँ आ गई हमारी चाय, चाय चाय। अभी हम कहीं पे हैं, पता नहीं कहीं पे हैं, बताऊंगा कहाँ पे हैं, इंतजार करो चाय पी लेने दो फिर बताऊंगा। ठीक है चाय मस्त है, सुविधा अच्छी है। ठीक है चाय पीते हैं। तो गाइस चाय पीने के बाद कुछ ऐसी जगह मिली हमें टेक सेल्फी, टेक सेल्फी मीन्स लिखा है और यहाँ लिखा भी है @ कुछ करके मेंशन करो जब भी फोटो डालो। बढ़िया जगह है घूमने पर, तो अच्छी आर्ट बनाई हुई है। ठीक है तो कह सकते हैं जो पुराने आर्ट होती थी, देखो पीछे वॉल पे, बताना ये कौन सी आर्ट होती है, मैं तो एक आर्ट वाला हूँ नहीं। ये देखो रंगोली वगैरह मस्त है, अच्छी जगह है देखते। हमारे सूर्या जी हो गए 1 महीने के, उनका हो गया पहला सेशन। ये थी कोई डोडी हाईवे ट्रीट्स, ठीक है आप आ सकते हो यहाँ घूमना, चाय पी हमने मस्त चाय थी, और तो कुछ नहीं किया क्योंकि अभी हमें घर जाना है, पास में ये घर। नेक्स्ट सोलर टेम्परेचर है गाइस यहाँ का, सोलर कल जब हम निकले 33 था और अब देखो इतना कम, पर ठंड नहीं है, अब पेड़ हो जाते हैं, बड़ा मजा आ रहा है पैर ऐसी आज तो कल मिल रही थी। जब वो आग के पास ताप रहे थे, अब मजा आ रहा है, सो गई थी
हाँ सॉरी सुबह कैसे जबकिन में नींद पूरी होती है गाड़ी में तो गाइस मस्त ऐसे 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 नींद पूरी होती है ऐसे बड़े गाड़ी आ रही सामने देख लो फिर ऐसे जबकि लगा लो सही चल रही गाड़ी बढ़िया अच्छी धूप निकल रही है मतलब ठंड नहीं है टेम्परेचर भी 17 हो गया धीरे धीरे बढ़ गया और पाँव में मजा आ रहा है बहुत मजा आ रहा मस्त हॉट हॉट एयर चल रही नीचे अरे माँ चिखा हो गया इंजन की गर्मी आ रही है हमारे पास अब हमने जाना है रिलायंस पेट्रोल पंप चलो हम पहुंच गए भोपाल देख सकते हो आओ 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 बोलो आओ वाओ वाओ ओए 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 देखो गाइस हम आ गए भोपाल ये हमारे बिजू भैया के दोस्त हैं अभी कह रहे हैं जिसने लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दो जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो क्यों पिल्लू हैं बोल आओ आओ हाँ गाइस वो ही बोल रहा है इसलिए सुना करो बात ओए विश्वकर्मा इंडस्ट्री विश्वकर्मा ये टंकी लेफ्ट हैंड साइड पे मतलब तो गाइस यहाँ हो गई हमारी डेस्टिनेशन एंड गाड़ी पार्क मतलब डेस्टिनेशन एंड मजा आया हो लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो कमेंट करके बताओ न्यू चैनल या स्पेशल चैनल चलो ठीक है गाइस अभी हम चले घर में बाय